ऐसे दशरथी विफल हो गए। फिर गुरुदेव ने समझाया है, राम लखन को साथ में विश्वामित्र ले जाते हैं। दोनों भाई हर्षित होकर के माताओं को प्रणाम करके आगे लेकर चलते हैं। कथा तो बहुत विस्तृत है, जल्दी जल्दी सुने क्योंकि हमें गोकुल भी चलना है, ठाकुर जी का प्राकृत्य उत्सव मनाना है। तो फिर भगवान ने पूतना का ये भगवान ने ताड़िका का उद्धार किया है। फिर आगे चले हैं सुबाहु का कल्याण करके मानी छोटा भर का बाण मार करके सोजोदम सागर के पार पार भाग दिया है। विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हो गया। विश्वामित्र जी महाराज बोले कि जाओ एक एक तो पूरा करवा दिया, अब घर से निकले से कम पहुंचा करवाओ दो चार मिनट। बोलिए ये पूर्वा पूरा करवाया, ये है धर्म यज्ञ। अब मैं जिस यज्ञ के लिए कह रहा हूं वो है धनुष यज्ञ। एक यज्ञ पूरा करवाया, ये है ब्रह्म ऋषि का यज्ञ और वो है एक राज ऋषि का। इसलिए चलो जनकपुरी भारत जा
लेकिन हमारे गुरु जी कहते हैं कि बेटा इसका अर्थ ऐसे नहीं है।
हमने कहा कैसे महाराज जी? बोले इसका अर्थ है हर्षित चले मुनि। मुनि क्यों हर्षित होकर चले? बोले वर के साथ। वर तो राम जी है, इसलिए ये मुनि वर नहीं है। तो बोले वर अलग है, मुनि अलग है। हर्षित चले मुनि। बोले मुनि हर्षित क्यों है? बोले वर के साथ, वर के साथ।